हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश सिंह, मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूं और विगत 28 वर्षों से एचआर फील्ड से जुड़ा हुआ हूं। अपने पूरे कैरियर के दौरान मैंने एचआर फील्ड में बहुत सारे चेंज देखे हैं और उन सभी चेंजों से हमने बहुत कुछ सीखा है। चेंज जितना कठिन दिखता है उतना होता नहीं, यदि हम उस परिवर्तन को ईजिली एक्सेप्ट कर लें। परिवर्तन ही हमें अपने आप को समय और आवश्यकता के अनुसार ढालने में मदद करता है। अपने अभी तक के कैरियर में हमने अपने कई जूनियर एवं सीनियर कलीग्स के साथ मिलने और उनसे बातचीत करने का मौका मिला है और मैंने ये फील किया है कि हम एचआर के बेसिक ज्ञान के अभाव में कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो एज ए एचआर प्रोफेशनल हमें नहीं लेना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स चूंकि किसी भी संस्थान के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण एसेट्स होता है, जितने भी एम होते हैं, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स होता है। अतः ह्यूमन रिसोर्स को किस प्रकार टैक्सफुल्ली हैंडल करना है, यह एचआर प्रोफेशनल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वह व्यक्ति जो एक एचआर फील्ड में काम करता है, एचआर प्रोफेशनल है, एचआर स्पेशलिस्ट है, उसे ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ साथ उन सभी विषयों की जानकारी होनी चाहिए जो संस्थान में उसके कार्य करने के तरीके और उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ एक एचआर प्रोफेशनल के लिए अपने सब्जेक्ट की बेसिक ज्ञान के साथ साथ संस्थान में प्रचलित नियमों और कानूनों की जानकारी हो तो अपने कार्य को पूरी दक्षता के साथ हैंडल कर सकता है, जिससे न केवल उसके संस्थान को बल्कि उसको भी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उसका लाभ मिलना तय है। अतः मैंने यह विचार किया कि मैं अपने अनुभव को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपने यंग मैनेजर्स से शेयर करूं, ताकि वे रोजमर्रा में आने वाली समस्याओं को भली प्रकार समझें और प्रोएक्टिवली आने वाली समस्याओं का मूल्यांकन कर उसके दुष्परिणामों को कम कर सकें। मैं अपने अनुभव और ज्ञान को आने वाले समय में आप सभी के साथ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा एवं आपके विचार और सुझाव भी मांगता रहूँगा। आज मैं अपना और अपने चैनल का इंट्रोडक्टरी वीडियो रिलीज कर रहा हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको आपके कैरियर के एडवांसमेंट में अपने अनुभव के द्वारा अपना योगदान दे सकूंगा। और मैं आपसे यह भी अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ें, हमें अपने विचार भेजते रहें ताकि हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपका मार्गदर्शन कर सकें, अपने अनुभव को आपके साथ साझा कर सकें और आपको एक ऐसा कैप्सूल जो इमीडिएटली आपको आपकी समस्याओं के समाधान में सहयोग दे सके उसको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाते रहे, जिसको आप स्वेलो करो और इमीडिएटली समस्याओं के समाधान में पहुंच जाए। थैंक यू।